हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दरभंगा में कोई खास विकास नहीं हुआ है। बिजली चौपट है, पानी चौपट है, हॉस्पिटल चौपट है, सही सड़क तक नहीं है। 5 वर्ष जीतल बड़ से कौन आई बा पावन लगे कहाँ को के पूछता है। परिवार बात तो अच्छा नहीं लगता है। ये जितना नल पानी का लगा है एको में पानी नहीं है। पब्लिक को दिक्कत होता है सिवान जाने के लिए। काम किया है काम तो हम लोग का नहीं लगता है कहीं। कुछ नहीं यहाँ किया। न कोई स्टेशन है यहाँ, न लाइट की व्यवस्था की गई है। वोट के मेरे आके समाचार पूछता लोग। दरौंदा विधानसभा की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। यहाँ पे एक तरफ बाहुबली अजय सिंह है जो कि नाराज होकर के और निर्दलीय उठ रहे हैं, वहीं जो उनकी पत्नी है वो जदयू से हैं और भाजपा से उठ गए कर्णजीत सिंह। तो ऐसे में सवाल तो ये भी है कि आखिर कविता सिंह जो है वो तो अपने पति को सपोर्ट करेंगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में जो जनता है वो बहुत कंफ्यूज है। जनता से हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है। चाची ये बताइए, यहाँ से अजय सिंह जी भी उठ रहे हैं ना निर्दलीय? देख मैंने सब लोग तो बोल रहा था ये निर्दलीय कैसे हैं। अजय सिंह जी अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी सुने, वो तो बाहुबली है, दबंग है थोड़े। वो दबंग तो नहीं है वकील, हम उसको घर गए थे। अच्छा। उसको जब खड़ा हुए थे उसको बीवी तो उसको संग में हम घूमते हैं। वो अच्छा, उनके बीवी ने काम किया है यहाँ पे जो पत्नी जी कविता की है? की है, काम की है। क्या काम उनका आपको ठीक लगा? सब काम अच्छा लगा, वो हमारा नौकरी वही की है। अच्छा आपकी नौकरी लगवाई, तो देखिए ये है, ये फायदा हुआ इनको, इनकी नौकरी लगी है। बाकी भी लोग हैं, क्या माहौल लग रहा है? किसका किसकी जीत होगी, क्या माहौल लग रहा है अभी तक? तो अभी तो सबका 50-50 का मुकाबला लगभग चल रहा है। अच्छा, यहाँ तो अजय सिंह जी तो बाहुबली हैं, दबंग हैं, कैसा रहा है उनका यहाँ पे? अभी तो उनका काम मिला जुला रहा है। हाँ। तो ये बताइए, उनके पूरे परिवार को टिकट मिलता रहा है, माता जी भी रही है, पत्नी भी है उनकी, ये आप लोग को ठीक लगता है जो परिवारवाद चल रहा है? ना परिवारवाद तो अच्छा नहीं लगता है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, नए वाले को भी, आने वाले आगे वाले पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए। तो देखिए कि परिवारवाद जो है उसको तो जनता आमतौर से पसंद नहीं करती है, ये भी आप देखिए सुन रहे हैं। और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। भैया ये बताइए, पूरा जो यहाँ पर गड़बड़ झाला चल रहा है नेताओं का, ठीक एक ही पार्टी के लोग अलग अलग जा रहे हैं, कोई निर्दलीय जा रहा है, अजय सिंह जी है, बाहुबली का तमगा उनके ऊपर, क्या लग रहा है क्या होगा आगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, यहाँ अभी बहुत से उम्मीदवार आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो उम्मीदवार नहीं है अजय सिंह, वो और जितेंद्र स्वामी मिलकर, शायद जितेंद्र स्वामी के भाई निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए हैं। तो ये बताइए ना, ये अजय सिंह के परिवार का काम कैसा रहा है? प्रॉपर जो दरौंदा के विधानसभा के नाम पर अगर कहा जाए तो प्रॉपर दरौंदा में कोई खास विकास नहीं हुआ है। मुद्दे क्या है आप लोगों के, क्या आप चाहते अपने नेताओं? यहाँ ना कोई आज तक प्रॉपर, ये दरौंदा विधानसभा है, यहाँ आज तक कोई एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ न कोई स्टेशन है, यहाँ आज तक उनके द्वारा कुछ भी काम नहीं किया गया है, न एक लाइट की व्यवस्था की गई है, कोई व्यवस्था उनके द्वारा उचित व्यवस्था नहीं है। वो उनकी माता भी विधायक रही, वो उनकी पत्नी भी विधायक रही, उनकी पत्नी सांसद भी है, लेकिन आज तक पर्सनल जो विकास दरौंदा में होना चाहिए कोई विकास नहीं हुआ। विकास जो है वो दरौंदा में नहीं हुआ है। देखिए सुनिए, ये जो दरौंदा वालों की शिकायत है वो आप सुन रहे हैं। और भी लोग, आप यही के हैं चाचा? आप यही के दरौंदा के रहने वाले हैं? ये बताइए क्या लग रहा है आपको कि जो कविता सिंह जी हैं वो पहले से हैं, उनके पति भी अब उठेंगे ही चुनाव में अजय सिंह, और भाजपा से कर्णजीत सिंह हैं, क्या लग रहा है क्या होगा? सब एक दूसरे से मिले जुले ही हैं, पता ही नहीं चलता है कि किसको तरफ जनता के रुझान है। हाँ। आपका रुझान कहाँ? अब हम को रुझान तो अब आप समय आने पर बताएंगे। बताइए ये अजय सिंह के परिवार ने यहाँ पे काम किया है, क्योंकि उनका परिवार बहुत दिन से विधायक तो हम लोग का नहीं लगता है कहीं न, विकास नहीं हुआ, बस परिवार को सीट दिला। अब तो हम लोग इतना पानी हिल कर आते हैं जाते हैं, कोई रास्ता की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोड उसी लायक है। हाँ। तो जब बाढ़ का पानी आता है उस वक्त की बात है। हाँ, तब वही बात हम करेंगे विकास का। विकास नहीं हुआ तो आप क्या चाहते, अपने नेता लोग से आप क्या बोलना चाहेंगे? नेता लोग से अब देखा जाएगा, अगला विधानसभा है, अब देखा जाएगा, जो जो होगा उसको वोट दिया जाएगा। ये बताइए, इस बार जो पूरा गड़बड़ झाला चल रहा है कि अजय सिंह जी अलग लड़ रहे हैं, भाजपा से कोई और लड़ रहा है, कविता सिंह ऑलरेडी सांसद हैं ही, क्या बोलेंगे आप उस पे? उसमें बोलना चाहते हैं जो भी हो वो अपना लड़ रहे हैं। बताइए ना, अजय सिंह के परिवार ने काम किया है क्या सालों से ये लोग? कोई नहीं, जिसने जो भी काम है अपने क्षेत्र में किए हुए हैं। अगर बतौर एक वोटर आप पूछा जाए, आप क्या क्या कहना चाहेंगे अपने नेताओं से, क्या मांगेंगे, क्या बोलेंगे? हमको क्या बोलना है, जो हम लोग समझ में आएगा वो करेंगे।
आप चाहते क्या है, क्या क्या चीजें हो, किस मुद्दे पे वोट देंगे? मुद्दे पे यही हो कि यहाँ पे 3-4 ट्रेन रुकना चाहिए, पब्लिक को दिक्कत होता है सिवान जाने के लिए। ये सब यहाँ पर नहीं है, जैसे कि होता है जिला परिषद होता है, जैसे शौचालय बनाए मुखिया यहाँ के, वो ठीक है। और 9 बसेरा हो, जो रोबिहाट को पसेंजर आते हैं वो रहने के ठहरने के लिए काम है। देखिए क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है इसलिए यहाँ पे कई बाहरी लोग भी हैं। सर ये बताइए ना, यहाँ पे सालों से एक परिवार के विधायक सांसद रह रहे हैं, सीट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, किस कर्णजीत सिंह को मिल गया तो अब विरोध करके और अपने निर्दलीय उठ रहे हैं अजय सिंह जी, क्या बोलेंगे आप इस पे इतने परिवार? यहाँ 3 महीना से हम लोग बाढ़ के चपेट में फंसे हुए हैं, न कोई विधायक आया है न कोई MP आया है। वोट का टाइम आया है, ठेवना पड़ते कुर्ता पहन करके वोट मांगने के लिए लोग, कि हम राजपूत है तो हम हाई है, तो जातीय राजनीति है, काम वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ का संसद है अजय सिंह की पत्नी कविता जी, आज तक झांकी भी पारने नहीं आई कि क्या हाल है इस देश के जनता का, वो केवल नीतीश जी के यहाँ जाती है। अच्छा, तो ये बताइए ना, ये परिवार इतने सालों से कुछ नहीं किया इन्होंने? कुछ नहीं यहाँ किया, केवल मोदी जी का नाम लीजिए, वोट ले लीजिए। नीतीश बाबू का 7 सूत्री मांग है न बिजली, आज 3 महीना से बिजली की स्थिति है कि पब्लिक मर रहा है, 3 महीना से बिजली का अफसर बात नहीं सुन रहा है। ये जितना नल पानी का लगा है एको में पानी नहीं है, ये 7 सूत्री नीतीश जी का कार्यक्रम है, सब उनका फेल है। अजय सिंह जी तो बाहुबली है ना? अरे बाहुबली वो अपने लिए बाहुबली है, हम लोग के लिए क्या करेंगे, मरते को क्या करता, बाहुबली है सो है, जिससे उनको बाहुबली होगा। हम लोग को तो काम नहीं चाहिए, हम लोग को 2 रोटी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है, सब बेकार हवा हवाई है नीतीश बाबू का। हाँ। लग रहा कौन जीतेगा? अब तो पब्लिक जिसको वोट देगा वो जीतेगा। अब हम आपको कह दे कि IPF जीतेगा, ब्यास जी जीतेंगे, तो कहना ठीक। मुद्दा क्या है यहाँ पे भैया, मुद्दा क्या है कि सारा बेकारी है, स्कूल से लेकर के बिजली चौपट है, पानी चौपट है, हॉस्पिटल चौपट है। यहाँ के हैं मंगल पांडे लम्बा लम्बा बतियाते हैं, जाने पर न डॉक्टर से भेंट है न रुइया से वो भेंट है, केवल हॉस्पिटल है, 4 गो सुपर बैठा रहता है बस। हॉस्पिटल में जाने के लिए सही रास्ता तक नहीं है, रास्ता ही नहीं है, सही सड़क तक नहीं है, यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाने के लिए सही रास्ता तक नहीं है। डॉक्टर लोग मिलता है वहाँ? डॉक्टर कभी काल मिलता है। हाँ, मुद्दे क्या है इस बार यहाँ पे, कौन है जो मुद्दों पे बात कर रहा है, कौन सा नेता है? अभी तक कोई मुद्दों पर बात करने वाला कोई नेता यहाँ नहीं आया है, केवल अभी मुद्दा है कि हमको जिता दीजिए और उसके बाद हम चले जाए, 5 साल के बाद फिर आवे। हाँ चाचा जी आप बताइए, ये बताइए क्या बोल रहे हैं आप, कौन पाँव लगे? कहाँ पाँच वर्ष से जीतल बड़ से कौन आई बा पाँव लगे, कोई आता नहीं पूछता नहीं आप लोग? कहाँ को के पूछता, वोट के मेरे के समाचार पूछता लो, क्या क्या परेशानी है यहाँ पे, समस्या? परेशानी के कौन दुखबा, जे कोई केहू के चहेट देता, केहू कोई चहेट देता, वोट के बेरा आओ तलो भेंट करे, और पूछते केहू नहीं के बाढ़ में दोहल बड़ा कि मोरल बड़ा कि का बालो। तो देखिए बाढ़ में जनता जब त्रस्त थी और अभी भी है, उस वक्त पूछने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन जब वोट की बारी आई है तो सब बारी बारी से आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हम जनता की सेवा के लिए निर्दलीय लड़ रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हमारे खानदान ने काम किया, पर हकीकत में जब आप धरातल पर जाइए तो ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, दिखता है तो सिर्फ जनता का गुस्सा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ नेता शांडिल्य, ABP न्यूज पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।